अडानी पे व्यू, अडानी ग्रुप के शेयर्स में जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं इन्वेस्टर्स, क्या उन्हें डरना चाहिए, क्या उनके लिए कोई चिंता की बात है, और जो अभी नहीं है और क्या उनके लिए अगर वो एंट्री करना चाहें कहीं कुछ मौका दिख रहा है? एक ओवरऑल व्यू, वी अंडरस्टैंड कि इसके अंदर में एक खबर आई थी जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि खबर का खंडन भी आया, कंपनी ने कह दिया कि ये गलत खबर थी या पुरानी थी या कुछ ऐसा था, तो वो सारी चीजें अलग करते हुए केवल एक ओवरऑल व्यू ऑन अडानी ग्रुप। बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ग्रुप में हमने देखा है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारी की सारी ग्रुप कंपनीज काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। और ये कैसे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इसमें एंटायर ग्रुप में अडानी पोर्ट्स ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत वेल पोजिशन्ड है। इनफैक्ट अभी तो इन्होंने जो कृष्णपट्टनम का जो पोर्ट खरीदा है, इससे ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट प्लेयर बनेंगे, वर्चुअल मोनोपोली पोजिशन बनेगी। बट बाकी सारी कंपनीज में मुझे लग रहा है, जैसे कि अडानी ग्रीन है, अडानी गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है, यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड है। और यहाँ पे मार्केट जानता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, लेकिन फिर भी इनमें गिरावट इसलिए नहीं आती क्योंकि काफी हद तक प्रमोटर के पास मेजोरिटी शेयर है, तो सप्लाई ऑफ शेयर्स बहुत कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो पोजिशन होल्ड करे, बट अडानी पोर्ट में कोई भारी गिरावट अगर बाई चांस आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। ओवरऑल अडानी ग्रुप के बारे में मैं यही कहूंगा कि जो रिस्क एपिटाइट हाई वाले हैं, जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, वही इस ग्रुप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी और बहुत ऊपर या नीचे ये स्टॉक्स जा सकते हैं, तो ये जरूर ख्याल में रखें। ठीक है, ये राय तो हुई अविनाश जी की अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर के। एक चीज आपसे जानना चाहता था कि अडानी में हमने खबरों के चलते कल कुछ कुछ चीजें देखी हैं, और उससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स उसमें कॉशन जैसा कुछ एक सिग्नल देते रहे हैं, या कई बार ये कहते हैं कि अनचार्टेड टेरिटरीज में चल रहा है, क्यों कैसे क्या, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फंडामेंटल्स के हिसाब से भी और टेक्निकल्स के हिसाब से, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल व्यू मुझे चाहिए है सिर्फ कि अगर कोई दर्शक, कोई हमारा जो दर्शक है या इन्वेस्टर है, वो अगर अडानी में इन्वेस्टेड है, पोजीशंस ऑलरेडी हैं किसी भी अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में, तो क्या उसको डरने की जरूरत है या उसके लिए क्या सलाह है? और जो नए लोग जिनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, एक छोटी सी गिरावट आई या बड़ी गिरावट जिसमें भी सब तरीके से, तो उसमें ठीक है कि रिकवर भी हो गया होगा, लेकिन इस सब खबरों के चलते क्या वहां पे मौका है? तो अडानी को कैसे देखते हैं, एक ओवरऑल व्यू ऑन अडानी ग्रुप एंड उसके शेयर्स। सर मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि कल का जो पैनिक लो है, जब तक उसके ऊपर स्टॉक्स चल गए हैं तब तक डरने की कुछ बात नहीं है। ओके, तो ऐसे न्यूज फ्लोज आते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा, लेकिन जो कल का लो अडानी पोर्ट ने लगाया है 680 के आसपास समथिंग ऐसा कुछ लो लगाया है, तो जब तक वो होल्ड है तब तक पोजिशंस को होल्ड करके जा सकते हैं। लेकिन सर मैं इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि जो स्टॉक कैश में है, फ्यूचर्स में नहीं है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अगर सर्किट टू सर्किट ओपन होना चालू कर देगा लोअर सर्किट, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। जैसे कि दो तीन स्टॉक्स मैंने कल भी देखा कि लोअर सर्किट पे है, तो वो चीज को ध्यान में रखिए सर। जो भी एफएनओ के काउंटर है उसमें डरने की कुछ बात नहीं है, कहीं पे भी हम लोगों को एग्जिट मिल सकता है। तो अडानी पोर्ट में मैं यहाँ पे एक बोलूंगा कि कल का लो जब तक होल्ड है तब तक पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। मैंने मेरे क्लाइंट्स को या फिर मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई भी अडानी पोर्ट या फिर अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने 400 के आसपास बोला था, 650 पे हम लोगों ने बुक करवाया, उसके बाद मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये स्टॉक क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ होने लगता है तो पहले मैं वो मेरे स्टॉक वॉचलिस्ट से निकाल देता हूँ, क्योंकि डर सबको लगता है, और तब लगता है कि जब पोजीशन होती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तक कल का पैनिक लो है होल्ड, तब तक आप इसमें बन सकते बने रह सकते। ठीक है, लेकिन नई एंट्री ना लें, दूर रहें। जी हाँ सर, मैं न्यूज फ्लो की वजह से मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, कि क्या पता कल कुछ ट्वीट आ जाए, और ऐसे जो ट्वीट आते हैं ना वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही आते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस समय। फिर गैप डाउन होने के बाद पोजीशंस को देखते रहेंगे कि 20% नीचे ओपन हो गया, फिर 10% नीचे ओपन हो गया, तो न्यूज वाले स्टॉक से थोड़े से दूर रहेंगे। ठीक है, न्यूज वाले स्टॉक से दूर रहिए, अदानी ग्रुप और उसके शेयर्स पे ये राय है नितिलेश जी की।
अदानी ग्रुप में जो खबरें हमने देखी और उसके चलते जो कुछ हुआ है, क्या कुछ राय बनती है या क्या नई अगर एंट्री लेनी है तो लेना चाहिए, और जो लोग एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उनके लिए आपकी क्या राय है अदानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर? देखिए, पहला बात तो ये है कि नया एंट्री तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये न्यूज फ्लो में कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, अभी क्या है, ये एक दो बड़ा कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच का ये फाइट है। इसमें अपने आपको हाथ जलाना नहीं है। पहले तो आपको एंट्री लेना नहीं चाहिए। दूसरा है, अगर किसी का लिया हुआ है, डिपेंड करता है आपका कहाँ पर लिया हुआ। अगर आपका बहुत लोअर लेवल से लिया हुआ है कि आपका 1000-1200 उस लेवल पे लिया हुआ है, फिर तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऊपरी लेवल पे लिया हुआ है तो मैं तो एक बार बोलूंगा कि आप इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ले। लेकिन कल का जिस तरह का बारिश का बना है वो दिखाता है कि इसमें ये मतलब न्यूज फ्लो के चलते इसमें बाइंग ही हुआ है, क्योंकि लोअर लेवल पे जिस तरह का रिकवरी है, लेकिन वॉलेटिलिटी इसमें इतना हाई रहेगा कि इसको ट्रेड करना मुश्किल रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। ये राय आती हुई सौम्यदीप जी की अदानी ग्रुप और उसके शेयर्स को लेकर के। अगर मैं अडानी शेयर्स, अदानी के किसी ग्रुप के किसी भी शेयर के अंदर में एंट्री करना चाहता हूँ एज अ न्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर, क्या मुझे एंटर करना चाहिए, और अगर मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो क्या मुझे डरना चाहिए, दोनों चीजें बता दीजिए। सर, एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर जो ऊपर के भाव की है तो 100% डरने वाली बात है, और जिससे नीचे के भाव में एंट्रीज है उसको डर की गुंजाइश कम है। आज जिसने 1700 में अडानी एंटरप्राइज लिया है और कल उसने 1200-1250 का प्राइस देख लिया और किसी का फ्यूचर में लॉट लिया हुआ होता तो मोस्ट प्रोबेबली वो लॉट कल कट चुका उसका, तो उसका तो डर खत्म हो चुका है। ठीक है, 500 रुपए स्टॉक गिरेगा, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रिगर हो चुके आपके। ठीक है, लेकिन नया सर ये जो न्यूज स्पेस को गेम है, ये न्यूज जल्दी से खत्म नहीं होने वाली इसमें, क्योंकि जो न्यूज दे रहा है ये भी आप किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ दे रहे हो, तो बिना स्ट्रॉन्ग बेस के आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाले, तो ये न्यूज जल्दी से नहीं खत्म होने वाली सर। ठीक है, तो ये कहना है चंद्र जी का कि न्यूज के बेस पे जो चीजें हुई हैं वो न्यूज आप ये समझ के चलिए कि कुछ बड़ा प्लान हो सकता है इसके पीछे, और फिर एक ही खबर नहीं होगी ये जो कि आई है और उसके चलते जो ऊपर नीचे हुआ है, इसके फॉलो अप में भी कुछ खबरें होंगी, कुछ और चीजें होंगी, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, और वो न्यूज हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ कुछ और खबरें आती रहें और उन खबरों के चलते इस तरीके के उतार चढ़ाव फिर देखने को मिले। तो थोड़ा सावधान रहिए, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नए लोगों के लिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए अडानी ग्रुप में? सर, अगर चाहिए आखिरी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए तो ही फिलहाल देखना चाहिए, नहीं तो अभी नहीं देखना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये कहना है चंद्र सुराना जी का कि अगर यही आखिरी शेयर बचा है ट्रेड करने के लिए तभी देखिए, अगर इसके अलावा शेयर्स हैं बाजार में जो कि सब बैन नहीं हो गए, बंद नहीं हो गए, तो उसमें काम करिए, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत मौके हैं, क्यों इतना बड़ा रिस्क और क्यों ऐसा खतरा मोल लिया जाए, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरीज है, कहां से कहां स्टॉक पहुंचा हुआ है वो भी दिखता है चार्ट पे, खबरें बहुत ही अलग अलग तरीके की हैं और पता नहीं क्या हो सकता है, तो वो किसी भी तरफ चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बीच में आप फंस जाए किसी कुछ बड़े घरानों की लड़ाइयों में या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के कॉर्पोरेट राइवलरी टाइप की चीज हो सकती है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें नहीं फंसना है, हमें अपनी पूंजी बचा के रखनी है, हमें अपने मुनाफे का सफर जारी रखना है। तो ये थे राय। व्हाट इज योर व्यू ऑन द डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ अदानी ग्रुप, व्यू फॉर दोज हु वांट टू टेक पोजीशंस, न्यू पोजीशंस, एंड व्यू फॉर दोज हु ऑलरेडी हैव पोजीशंस इन अदानी ग्रुप शेयर, शुड दे बी वरिंग, शुड दे बी पैनिकिंग, व्हाट शुड दे डू? So I will give you two views on this particular matter. One is a view as a trader, and one will be a view from a market commentator. So the market commentator in me would say that we should always stay away from stocks which are extremely high in news building exercises, which the entire world wants to jump onto. That is something which you can ignore, or you can stand on the sidelines till the stock comes back to normalcy. Because if you pull out volatility charts also of these stocks starting from yesterday,
you will find that there's a lot of volatility. Now, nobody is going to give us a certificate or a medal that we were able to buy the Adani at the lowest price and sell it at the highest price. Or, you know, these are very good social conversations to have that, oh, you know, when it fell so much, I bought it. It gives you that kick. But one must always keep in mind that you are in the stock markets from a consistency point of view. You don't want to enter the markets today and leave after 6 months. You want to enter the markets and be here for a long time. That long time will only happen when you are doing consistent related trading and consistency kind of investments. From a commentator perspective, coming from a trading perspective where one tries to look at bottom picking exercises, one tries to look at entries at lower levels, etc. The only stock which is giving some kind of a leeway into entering on the long side is Adani Coal, which is currently trading at about 762. And they had a very, very good support, which was between 680 to 700. We were successful in closing above that level yesterday. And even today, you are trying to nudge at higher levels closer to 800. But because of excessive buying and selling and volatility, the markets are moving very, very varied on this particular stock. So if one really wants to risk it and one wants to be a part of this Adani story, you can buy Adani Coal, which will be for a target of about 900, and a stop loss will be below yesterday's low, which will be around 680. But again, I would caution that if I was pushed against the wall and told that, will you trade it? The answer is no from myself. But if you have to force me that I must give a trade among the entire Adani group, this is the only place where I find there might be some kind of a trade. We won't force you for anything of that sorts. We are here to make profits. So, we don't have to trade with you and we don't have to worry about you. Where you are making your conviction and the things you are telling where there are opportunities, we will go with them. But Manish Hathirmani Ji has said that if you have to take a trade in the Adani Group and if you have to watch something, that is Adani Ports. Adani Ports के अलावा बाकी जितने भी शेयर्स हैं, जितनी कंपनीज हैं अदानी ग्रुप की, उनसे दूर रहने में ही भलाई है।